पीजी वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट्स। आज के सेशन में हम आपको करवाने जा रहे हैं पर्यावरण से संबंधित कुछ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिंड हुआ मिल जाएगा, या आप सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। पीजी पॉइंट आपको सर्च करना है, आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पर आपको इन सब क्लासेस की पीडीएफ वगैरह भी मैं अवेलेबल करवा दूँगी, ठीक है। और उसके बाद में अगर अभी तक आपने हमारे पीजी पॉइंट ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पर आपको फ्री कोर्सेज जिसके अंदर आपको वीडियोस और सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे, है ना। और साथ में आपको वहाँ पर एक पेड कोर्सेज हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पैसे का मुंह नहीं किया और ले लिया है और आराम से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो होप्स हो कि आप भी अगर चाहें तो उसे ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। और बाकी इसी के साथ में जितना हमसे यूट्यूब पे हो रहा है मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आइए शुरू करते हैं आज का आपका टॉपिक। तो एक बार मेरी राय तो यही है कि ज़्यादा आप एक दिन कोल्ड ड्रिंक समोसे ना सही और एक बार वो पीडीएफ आप ले लो। तो देखिए आज की स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक, मनुष्यकृत, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। यदि पेज आपको ब्लड दिख रहा है तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। पर्यावरण आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो बच्चे कह रहे हैं उनका एकदम सही हो जाएगा, प्राकृतिक पर्यावरण और मनुष्यकृत पर्यावरण दोनों। उसके बाद में क्वेश्चन, स्टोकोल्स ने किसमें मानव निर्माण संबंध के उपागमों का विवरण प्रस्तुत किया, अल्पमतवादी परिप्रेक्ष्य में, नैमित्तिक परिप्रेक्ष्य में, आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में, या फिर ये सभी। एक दो तक शायद क्वेश्चन तीन तक आपको ब्लर दिखे, उसके बाद में नहीं दिखेगा, परेशान नहीं होइए, और उसके बाद में भी सही हो जाएगा, है ना। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन डी, ये सभी उनका एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बताइए भौतिक परिवर्तन के तत्व कितने हैं, तीन हैं, चार हैं, दो हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या तीन आपकी स्क्रीन पे, हाँ, तो क्या होगा करेक्ट आंसर। एक बार आप लोग क्या करिए, सेशन को अपने एंड से शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया एक बार फटाफट से लाइक कर दीजिए। आप लोगों के कमेंट्स नहीं प्राप्त हो रहे हैं आजकल, तो एक बार सेशन में कमेंट्स करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थ्री का, वेरी गुड, जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन ए तीन, उनका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। तो भौतिक पर्यावरण के तत्व आपके कितने हैं, तीन हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, मनुष्यकृत पर्यावरण के कितने अंग होते हैं, पार्थिव संस्कृति, अपार्थिव संस्कृति, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या चार, बताइए क्या होगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर, मनुष्यकृत पर्यावरण के कितने अंग होते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यस, तो जो बच्चे कह रहे हैं मैम ऑप्शन सी, उनका एकदम सही हो जाएगा, पार्थिव संस्कृति और अपार्थिव संस्कृति, ये आपके मनुष्यकृत पर्यावरण के अंग है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, बताइए जरा, ऐसे भूभाग जो सभी ओर से पानी से घिरे होते हैं उसे क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं, महासागर कहते हैं, सागर कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। जो सभी ओर से यानी चारों ओर से आप पूरे किनारे से पानी से घिरे हुए होते हैं सभी ओर से, उनको क्या कहते हैं, बताइए। प्रश्न संख्या पाँच, वन ऑफ द इजी क्वेश्चन ऑफ योर टुडेज क्लास, यस, ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का, जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन है द्वीप। द्वीप जो है वो ऐसा भूभाग होता है जो सभी ओर से पानी में घिरा रहता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, बताइए सबसे पुराना और सबसे बड़ा महासागर आपका कौन सा है, प्रशांत महासागर है, आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक, या फिर हिंद महासागर है, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या छः आपकी स्क्रीन पे, बताइए भाई क्या होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्स। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, उनका एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन, तो अब है नहीं सिक्स, तो वो हो गए आपके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, संविधान में सुरक्षा व संरक्षण के लिए कौन सी धारा है। ये कितने क्वेश्चन कर लिए आपने, सिक्स, याद रखिएगा, ऐसे पार्ट वाइज ही करेंगे ना, ये एक चैप्टर के पीछे के क्वेश्चन जो दिए हैं ये वो हैं सारे, है ना। तो संविधान में सुरक्षा व संरक्षण के लिए कौन सी धारा है होती है, जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन सी, उनका एकदम सही हो जाएगा, 48A और 51AG, ठीक है, ये आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ज़रा, वर्षा जल संचयन का क्या लाभ है, भूजल संरक्षण में सहायक होता है, आपका पानी और ऊर्जा संरक्षण दोनों को बढ़ावा देता है, बाढ़ तूफान के पानी के अपवाह और कटाव को कम करना, ये सभी। क्या होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर टू आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से बताइए। प्रश्न संख्या दो, तो देखो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो बच्चे कह रहे हैं उनका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है, ये वर्षा जल संचयन के ये सभी लाभ होते हैं, है ना। इसकी की तरफ चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मृदा प्रदूषण का स्रोत कौन सा है? प्लास्टिक, कृषिजन्य कचरा, औद्योगिक कचरा या फिर ये सभी? प्रश्न संख्या एक। तो देखो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन डी उनका एकदम सही हो जाएगा, प्लास्टिक, कृषिजन्य कचरा, औद्योगिक कचरा, ये सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू बताइए, पर्यावरण के बारे में चिंता जतानी चाहिए, क्यों जाननी चाहिए? आर्थिक समृद्धि के लिए, मानव अस्तित्व बचाने के लिए, पृथ्वी की सुंदरता के लिए या फिर ये सभी? प्रश्न संख्या दो। फटाफट से करिए आंसर, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, अगर क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा तो ऊपर एक आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ से आप क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिए, क्लियरली विजिबल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन सी कि मानव अस्तित्व बचाने के लिए पर्यावरण के बारे में चिंता करने की ज़रूरत है, तो उनका एकदम सही हो जाएगा। इसी के साथ में चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। इससे पहले आपने कितने क्वेश्चन कर लिए थे तो देखिएगा, तो 6, 2, 8 कर चुके हैं आप, है ना। उसके बाद में फिर से ये शुरू हुआ 8 के बाद से आपकी ये सीरीज। पर्यावरण के त्रिविमीय समस्या के अंतर्गत कौन सा बिंदु आएगा? पर्यावरण प्रदूषण आएगा, संसाधन अवक्षय आएगा, पारिस्थितिकी क्षरण आएगा या फिर ये सभी? याद रखिएगा, अगर क्लियरली विजिबल नहीं है तो मैं ऑप्शन रीड कर रही हूँ, क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, आप चुपचाप से सुनते रहिएगा तो भी आपके दिमाग में आ जाएंगी चीज़ें। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो बच्चे कह रहे हैं उनका सभी सही हो जाएगा कि पर्यावरण के त्रिविमीय समस्या के अंतर्गत आपके कौन कौन से बिंदु आएंगे। तो पर्यावरण प्रदूषण आएगा, संसाधन अवक्षय आएगा, पारिस्थितिकी क्षरण आएगा, ठीक है। इसी के बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपके स्क्रीन पे, और जो ओजोन परत का ह्याश का कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC या फिर शीतन या फिर एसरोल का प्रयोग या फिर ये सभी? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी एकदम सही हो जाएगा। भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रदूषण नियंत्रक एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1974 में, 1976 में, 1975 में या फिर 1978 में? अगर क्वालिटी नहीं सही हो पा रही तो परेशान नहीं होइए, हमारी बातों को आप सुनिए, मैं आपको क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, आंसर आपको बोल के बता रही हूँ, और जब आंसर सही हो जाता है उसके बाद में मैं फिर से रिपीट कर दूँगी तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम पारित हुआ था आपका 1974 में, ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स बताइए, जल प्रदूषण को नियंत्रण करने का क्या उपाय है? शौचालयों की उत्तम व्यवस्था सरकारी प्रयासों से की जानी चाहिए, उसके बाद में सीवेज का जल नदियों में नहीं डाला जाना चाहिए, औद्योगिक क्षेत्रों के अपशिष्ट को जल स्रोत में नहीं माना जाना चाहिए या फिर ये सभी? प्रश्न संख्या 6। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो बच्चे कह रहे हैं एकदम सही हो जाएगा, जल प्रदूषण का नियंत्रण करने का ये उपाय है। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ बताइए फटाफट से, पेयजल की समस्या का प्रमुख कारण कौन सा है? भीषण गर्मी, बढ़ती जनसंख्या, कमजोर मानसून या फिर ये सभी? जो आपकी पेयजल की समस्या है इसका प्रमुख कारण क्या है? प्रश्न संख्या 7। फटाफट से आंसर करिए, जिन बच्चों ने अभी तक सेशन लाइक नहीं किया लाइक कर लीजिए, और मेरी मानी है तो जो आपका पेड कोर्स में PDF है वो ले लीजिए, आपके बहुत से सर्टिफिकेट पार्टी ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो उनको तो पता ही है ना, तो हम चाहेंगे कि आप भी उससे आराम से पढ़ना शुरू कर दो। तो क्वेश्चन नंबर सेवन्थ का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो बच्चे कह रहे हैं उनका एकदम सही हो जाएगा, सारे ही कारणों की वजह से पेयजल की समस्या जो है हो रही है। मृदा प्रदूषण का स्रोत कौन है बताओ? मृदा प्रदूषण का स्रोत कौन है? औद्योगिक कचरा, कृषिजन्य प्रदूषण, प्लास्टिक के द्वारा प्रदूषण या फिर ये सभी? प्रश्न संख्या 8। एक बार जिन बच्चों ने सेशन लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कर दीजिए, भाई कितने बार कहूँ मैं। तो देखो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यस, तो जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन डी ये सभी, तो ये सभी आपका क्या है, जैसे औद्योगिक कचरा हो गया, कृषिजन्य प्रदूषण हो गया। कृषिजन्य प्रदूषण में हम कृषि क्यों ही प्रदूषित करेगा, उससे तो उसकी फसल होती है। हमने कहा अच्छा जी, हमने कहा कीटनाशक खरपतवार नाशक जो आपके इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करते हैं ये कृषि, तो इससे क्या होता है, मृदा प्रदूषण ही तो हो रहा है ना, तो प्लास्टिक के द्वारा ये सब आपके क्या मृदा प्रदूषण के स्रोत हैं। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, वन विनाश के कारण उत्पन्न दुष्परिणाम कौन सा है? वन विनाश से मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया में तेजी आती है, प्राकृतिक विपदाएं, जलवायु परिवर्तन या फिर ये सभी? प्रश्न संख्या 9 क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए फटाफट से भाई। हाँ तो वेरी गुड, तो जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन डी ये सभी उनका एकदम देखो सही हो जाएगा। इसके बाद में चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लगभग 17 क्वेश्चन आप कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। ये बताइए ज़रा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, अब नेक्स्ट चैप्टर का ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में N2O का प्रतिशत कितना है? पूछा गया N2O का प्रतिशत कितना है ये बताना है आपको, ठीक है। ये आपका 19 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा ना, तो वायुमंडल में N2O का प्रतिशत आपका कितना है
यस तो वेरी गुड, दो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन डी। उनका एकदम सही हो जाएगा है ना, 8%। निम्न में से मुख्य तीन हाउस गैस कौन सी है, बताइए तीन ग्रीन हाउस गैस, मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। देखो निम्न में से हमने आपको बताया था ग्रीन हाउस गैस के बारे में तो बताया था, लेकिन जब हमने आपको पढ़ाया था तभी हमने आपसे कहा था कि ये क्वेश्चन बन सकता है कि मुख्य निम्न में से इतनी सारी है इनमें से मुख्य कौन सी गैस है ग्रीन हाउस, बताइए ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो आपने उस समय हमने आपको बताया था ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान में रख लो CO2 जो है वो आपकी मेन ग्रीन गैस है, ठीक है जो ग्रीन हाउस गैस है वो मेन, अगर पूछा जाए कौन से मुख्य कौन से तो आप CO2 बताएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बताएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड बताइए ज़रा, ओजोन परत क्षरण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी कौन सी गैस है, ओजोन परत का जो ह्रास हो रहा है उसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs। प्रश्न संख्या 3 बताइए फटाफट से क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पे भाई। यस जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन डी उनका एकदम सही हो जाएगा, CFCs तो आपको हमने क्लासेस में थ्योरेटिकल वाली दत्वा ही दिया था ना, क्यों बताओ अगर सही कह रहे हो तो। ओजोन सांद्रता मापन की इकाई कौन सी होती है, बताइए डॉप्सन, कैलोरी, डेसिबल या फिर किलोवाट। क्वेश्चन नंबर 4 यस तो जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन ए उनका एकदम सही हो जाएगा डॉप्सन। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए लगभग सारे संसार में कौन सा दशक सबसे गर्म रहा है, 60 का दशक, 80 का दशक, 70 का दशक या फिर 19 का दशक। प्रश्न संख्या 5 60 का, 70 का, 80 का और 90 का, देखो क्या निकल रहा है मुझसे 19 90 का पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 90 का। उसके बाद देखो विश्व मौसम संगठन के अनुसार भूतल के औसत तापमान में पिछली शताब्दी के दौरान कितनी वृद्धि हुई थी, 0.40 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 0.60 डिग्री ऐसे करके आप बता सकते हैं कि जो आपका विश्व मौसम संगठन था इनके अनुसार भूतल के औसत तापमान में पिछली शताब्दी में से देखा जाए तो कितनी वृद्धि हुई है। तो जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन सी उनका एकदम सही हो जाएगा, 0.45 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 0.60 डिग्री सेंटीग्रेड तक। वायुमंडल में CO2 कितने प्रतिशत तक लगभग बढ़ी है, बताइए कितने प्रतिशत तक है नहीं पूछा गया, कितने प्रतिशत तक बढ़ी है पूछा गया, तो करंट अफेयर भी आपको थोड़ा बहुत दिमाग में रख के चलना है हाँ। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन, बताइए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन डी जो बच्चे कह रहे हैं 1.50% उनका एकदम सही हो जाएगा। इसी के साथ में चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है ना, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका वातावरण में उपस्थित कौन सी गैस कीच के दोपहर कीच एवं छत की तरह गर्म करते, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन या फिर ऑक्सीजन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका ओजोन क्षरण की का CFC सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, मारियो के द्वारा, मोलेला के द्वारा, शेरवुड के द्वारा या फिर ये सभी इन सभी लोगों के द्वारा। हम एक बार चाहेंगे कि आप लोग सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिए और एक बार अपनों के लिए लिख दीजिए। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो बच्चे कह रहे हैं ये सभी उनका एकदम सही हो जाएगा। तो अगर फटाफट से देखो यहाँ पर आपके 25+ क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, आपको पता भी नहीं चला है ना, तो इसी तरीके से मैं आपको आगे भी रिवीजन करवाती रहूँगी। और एक बार बोलिए फटाफट से अपनों के लिए वेरी गुड, तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास, मीट अप विद यू इन नेक्स्ट क्लास।